हेलो एंड वेलकम टू ऑल रूम किचन डॉट कॉम। आज हम आप सभी के लिए लेके आए हैं एकदम ज़बरदस्त न्यू लॉन्च प्रोजेक्ट वाकड़ लोकेशन से, जहाँ पे 2 BHK एंड 3 BHK फ्लैट्स अवेलेबल है। इस प्रोजेक्ट की दो चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगी, एक तो है इसका लोकेशन एंड सेकेंड है इसका अट्रैक्टिव साइजिंग एंड प्राइजिंग। लोकेशन वाइज ये प्रोजेक्ट काफ़ी अच्छे से कनेक्टेड है विथ दत्त मंदिर रोड, जो वाकड़ का सबसे हैपनिंग स्ट्रीट है, एंड विथ पुणे मुंबई हाईवे के साथ भी इसकी काफ़ी अच्छी कनेक्टिविटी मिल जाती है। साथ ही ये प्रोजेक्ट ऑन गोइंग फिनिक्स मॉल का जो कंस्ट्रक्शन है उसके नेबरहुड में आ जाता है। साथ ही इस प्रोजेक्ट से लेस देन कपल ऑफ किलोमीटर्स पे वाकड़ मेट्रो स्टेशन भी आ जाता है। इस प्रोजेक्ट के विसिनिटी में आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाते हैं फॉर स्कूल्स, कॉलेजेस, रेस्टोरेंट्स, हॉस्पिटल्स, मॉल्स एंड बाकी सारे एंटरटेनमेंट की चीज़ें भी आपको यहाँ से काफ़ी कम डिस्टेंस पे देखने को मिल जाती है। यानी कि एक फुल्ली डेवलप्ड लोकेशन पे ये प्रोजेक्ट डेवलप किया जा रहा है। चलिए बात करते हैं प्राइजिंग एंड साइजिंग की। 2 BHK आपको काफ़ी वेरिएंट के यहाँ पे मिल जाते हैं, 720 स्क्वायर फीट से लेकर 790 स्क्वायर फीट के 2 BHK फ्लैट्स यहाँ पे अवेलेबल है, जिसका प्राइस स्टार्ट होता है फ्रॉम 79 लाख ऑल इंक्लूसिव ऑनवर्ड्स। एंड 3 BHK जो है ये भी आपको काफ़ी मल्टीपल वैरायटी ऑफ ऑप्शंस के मिल जाते हैं, जिसका कारपेट एरिया स्टार्ट होता है फ्रॉम 920 स्क्वायर फीट से लेकर 1000 स्क्वायर फीट, एंड जिसका प्राइस स्टार्ट होता है फ्रॉम 1 करोड़ 3 लाख ऑल इंक्लूसिव ऑनवर्ड्स। तो काफ़ी अट्रैक्टिव प्राइसिंग यहाँ पे रखी गई है। अगर आप इस नेबरहुड में कहीं भी किसी भी प्रोजेक्ट के साथ इसे कंपेयर करेंगे तो आपको ये प्राइसिंग डेफिनेटली अट्रैक्टिव लगने वाली है। वैसे इस प्रोजेक्ट का वीडियो एक्सक्लूसिवली यूट्यूब पे सबसे पहले हॉल रूम किचन की टीम लेके आई है। ऐसे ही एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टीज़ के वीडियोस देखने के लिए आपके चैनल हॉल रूम किचन को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए अब क्विकली 3 BHK का सैम्पल फ्लैट टूर कर लेते हैं, विच इज़ 1000 स्क्वायर फीट कारपेट। तो चलिए सैम्पल फ्लैट का टूर करते हैं। कुछ इस तरीके का आपका मेन एंट्रेंस डोर आपको मिल जाता है काफ़ी अच्छी क्वालिटी का, एंड साथ ही आपको मेन एंट्रेंस पे ही कुछ इस तरीके का डिजिटल लॉक मिल जाता है, जिसे यूज़ करके आप आपके फ्लैट को एक्सेस कर पाते हो। बेस्ट बात है, आपके जो सारे डोर्स हैं ये आपको राउंड एजेस के मिलते हैं, प्लस रबर गैस्केट की पैडिंग भी आपको हर एक डोर के साथ मिल जाती है। जैसे ही आप आपके फ्लैट में एंटर करते हो आपको एक डिसेंट एंट्रेंस लॉबी मिल जाती है, जिसमें आप कुछ इस तरीके के आर्टिफैक्ट्स इंस्टॉल कर सकते हो या फिर आपका शू रैक वगैरह प्रॉपरली बना सकते हो। उस हिसाब से आपको एंट्रेंस लॉबी में ही स्पेस मिल जाती है। एंट्रेंस लॉबी से जैसे ही आप एंटर करते हो आपको काफ़ी ग्रैंड एल शेप का लिविंग डाइनिंग एरिया मिल जाता है। बेस्ट बात है, जो टाइल्स यहाँ पे ये काफ़ी बड़े साइज़ के टाइल्स यूज़ किए गए, वाइट फिनिश्ड वाले टाइल्स है, तो काफ़ी रिच आपका जो है फ्लैट का लुक निखर के आता है यहाँ पे इन टाइल्स की वजह से। साथ ही आपको होम ऑटोमेशन के साथ ये सारे फ्लैट्स आपको यहाँ पे दिए जाते हैं। क्विकली आपको मैं लिविंग डाइनिंग एक्सप्लेन कर देता हूँ। काफ़ी ग्रैंड आपको लिविंग एरिया मिल जाता है, आपका डाइनिंग स्पेस जो है ये कम्प्लीटली अलग आपको मिलता है। अगर मैं लिविंग एरिया की बात करूँ तो आप कुछ इस तरीके से एल शेप में आपका जो है सोफ़ा का सेटअप कर सकते हो, बीच में सेंटर टेबल लगा सकते हो, एंड सामने की तरफ ये जो वॉल आपको मिल जाती है यहाँ पे आपको मल्टीपल स्विच बोर्ड्स दिए जाएंगे, जहाँ पे आप वॉल माउंटेड टेलीविजन यूनिट कुछ इस तरीके से इंस्टॉल कर पाते हो, एंड अपोजिट साइड पे आपको सिट आउट एरिया आपका सोफ़ा का आप लगा सकते हो। प्लस आपका जो डाइनिंग एरिया है ये आपको कम्प्लीटली अलग मिलता है। इस तरफ आप कुछ इस तरीके से स्क्वेरिश शेप का आपका डाइनिंग यूनिट भी लगा सकते हो। काफ़ी टाइम के बाद मैंने किसी सैम्पल फ्लैट में स्क्वेरिश शेप का डाइनिंग टेबल देखा है। ये तभी पॉसिबल होता है जब आपको प्रॉपर स्पेस मिल जाती है डाइनिंग यूनिट रखने के लिए, तभी आप इस तरीके का कुछ स्क्वेरिश शेप का आपका डाइनिंग यूनिट रख पाते हो। तो अलग से आपको एक अच्छे साइज़ का डाइनिंग एरिया यहाँ पे मिल जाता है। बेस्ट पार्ट है, जो आपका लिविंग एरिया है इसके साथ अटैच्ड कंपल्सरी एंड कवर्ड बालकनीज मिलती है, एंड जो आपको स्लाइडिंग विंडोज़ एंड स्लाइडिंग डोर्स दिए गए ये नॉइज़ कैंसलेशन वाले स्लाइडिंग डोर्स एंड विंडोज़ मिल जाते हैं, जिससे आपको बाहर का नॉइज़ वगैरह जो है कैंसिल होके ही आपके फ्लैट के अंदर आएगा, एंड कोई नॉइज़ आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा आपके लिविंग एरिया में। काफ़ी अच्छे साइज़ का आपको यहाँ पे लिविंग से अटैच्ड बालकनी मिलती है, काफ़ी बड़े साइज़ की बालकनी है, प्रॉपरली ऊपर से कवर्ड बालकनी मिलती है, जिससे आपकी एक प्रॉपर प्राइवेसी मेंटेन हो जाएगी। एंड आप ये भी देख लीजिए, यहाँ पे टफन ग्लास रेलिंग का सेटअप भी आपको कुछ इस तरीके के मिल जाएगा। एक हाई राइज टावर है यहाँ पे, तो हाई राइज टावर से जो व्यू है वो आप इन टफन ग्लास के थ्रू एंजॉय कर पाओगे। उस हिसाब से टफन ग्लास की रेलिंग्स यहाँ पे दी हुई है। डाइनिंग से ही अटैच्ड आपको इस तरफ पैरेलल प्लेटफॉर्म्स के साथ किचन एरियाज मिल जाते हैं। आइए क्विकली किचन एरिया को चेक करते हैं। काफ़ी ग्रैंड एंड स्पेशियस किचन एरिया आपको मिल जाते हैं पैरेलल प्लेटफॉर्म्स के साथ, प्लस आपको इनक्लोज ड्राई बालकनीज भी मिल जाती है। ड्राई बालकनी भी काफ़ी बड़ी है, आप बड़े आराम से एक तरफ आपका वॉशिंग मशीन यूनिट लगा सकते हो, एंड एक तरफ आप बड़े आराम से आपका डिश वॉशर लगा सकते हो। उतनी स्पेस आपको आपके ड्राई एरिया में प्रॉपरली मिल जाती है। यहाँ पे आपको जो है सिंक एरिया मिल जाता है, एंड इस सिंक पोर्शन के ऊपर के साइड आप यहाँ पे आपका वाटर प्योरीफायर इंस्टॉल कर पाते हो। पैरेलल प्लेटफॉर्म्स का सेटअप आपको एज इट इज़ मिल जाएगा। काफ़ी अच्छे तरीके से आप जो है नीचे मॉड्यूलर किचन ट्रॉलीज लगा सकते हो, ऊपर ओवरहेड कैबिनेट्स कुछ इस तरीके के डिज़ाइनर लगा सकते हो, प्लस इस तरफ जो कॉर्नर है यहाँ पे आपको स्विच बोर्ड मिल जाता है, ताकि आप यहाँ पे आपका
रेफ्रिजरेटर फ्रिज इंस्टॉल कर पाओ, उस हिसाब से स्पेस आपको किचन एरियाज में मिल जाती है। आइए अब बेडरूम्स एरियाज को चेक करते हैं, तीनों बेडरूम्स को चेक करेंगे वन बाय वन। आ जाइए, डाइनिंग एरिया से लग के ही आपको इस तरफ कॉमन बेसिन स्पेस बाहर की तरफ ही मिल जाता है एंड इस तरफ कॉमन वॉशरूम मिल जाता है, जिसमें ये कमोड स्पेस एंड ये बेथिंग स्पेस आपको कुछ इस तरीके के मिलते हैं। सीपी वेयर एंड सैनिटरी वेयर आपको यहाँ पे अमेरिकन स्टैंडर्ड एंड ग्रोहे कंपनी के दिए जाते हैं, तो काफ़ी अच्छे ब्रांडेड फिटिंग्स आपको इन फ्लैट्स में मिल जाते हैं। ये आपका फर्स्ट बेडरूम आ गया, जहाँ पे आप स्पेस भी देख लीजिए, काफ़ी अच्छा स्पेस आपको बेडरूम्स में मिल जाता है। प्रॉपर आपको यहाँ पे वार्डरोब स्पेस मिल जाती है, अलग से आप वार्डरोब बना सकते हो। प्लस ये पोर्शन आपका जो है काफ़ी अच्छे हाइट का आपको जो है विंडो यूनिट्स दिए गए, ताकि आपके रूम्स में काफ़ी अच्छा एयर वेंटिलेशन, लाइट वेंटिलेशन मिल जाए। एंड बाकी का जितना भी स्पेस है आप यहाँ पे एक अच्छा सा आपका जो है बेड लगा सकते हो, अगर आपको स्टडी टेबल लगाना है तो वो भी लगा सकते हो। तो स्पेसिफिकली जो बेडरूम्स है इनका डिज़ाइन काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पे किया गया है। आइए अब नेक्स्ट बेडरूम को चेक करेंगे, ये आपका सेकेंड बेडरूम हो गया, इसे आप किड्स बेडरूम भी कह सकते हैं। काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पे भी आपको स्पेस मिल जाती है, अगेन इस पोर्शन पे आपको काफ़ी बड़ी सी विंडो मिल जाती है, जहाँ से एयर वेंटिलेशन, लाइट वेंटिलेशन आपके जो है बेडरूम में आता रहेगा। यहाँ पे आप आपके किड्स के लिए जो है स्टडी टेबल लगा सकते हो, इस तरीके का वार्डरोब बना सकते हो एंड यहाँ पे किड्स के लिए कुछ इस तरीके से बेड की अरेंजमेंट प्रॉपरली कर सकते हो। एंड काफ़ी सारी अरेंजमेंट करने के बाद भी आपको काफ़ी रोम अराउंड करने के लिए स्पेस आपके बेडरूम्स में यहाँ पे मिल जाती है। इस तरफ अटैच्ड वॉशरूम आपको मिल जाता है, आइए इसे भी क्विकली चेक कर लेंगे। काफ़ी प्रीमियम फिटिंग्स वाले वॉशरूम्स आपको मिल जाते हैं, डिज़ाइनर टाइल्स मिल जाएंगे। ये आपका बेसिन स्पेस, ये कमोड स्पेस एंड ये आपका बेडिंग स्पेस कुछ इस तरीके के, एंड कुछ इस तरीके के डिज़ाइनर टाइल्स के साथ आपको जो है वॉशरूम्स यहाँ पे मिल जाते हैं। आइए अब मास्टर बेडरूम को चेक करते हैं, आ जाइए। बेस्ट बात है जो मास्टर बेडरूम्स रहने वाले हैं उसमें आपको वुडन लुक लाइक टाइल्स कुछ इस तरीके के हर एक मास्टर बेडरूम में, हर एक फ्लैट के हर एक मास्टर बेडरूम में आपको दिए जाएंगे। एंड मास्टर बेडरूम में भी काफ़ी अच्छी स्पेस आपको मिल जाती है, यहाँ से बड़ी सी विंडो मिल जाती है अगेन, जहाँ से एक अच्छा वेंटिलेशन आपको मास्टर बेडरूम में मिल जाएगा। आप बड़े आराम से आपके मास्टर बेडरूम में क्वीन साइज़ का बेड, एक अच्छे साइज़ का आपका जो है वार्डरोब एंड अगर आपको बेड के अपोजिट साइड पे वॉल माउंटेड टेलीविजन यूनिट इंस्टॉल करना है तो उसके लिए भी पॉइंट्स वगैरह मिल जाते हैं। मास्टर बेडरूम के साथ जो अटैच्ड मास्टर वॉशरूम है, आइए इसे भी क्विकली चेक करते हैं। फुल्ली वाइट टाइल्स वाले आपको मास्टर वॉशरूम यहाँ पे दिया जाता है, जहाँ पे एक डिज़ाइनर बेसिन स्पेस मिल जाता है, काफ़ी बड़ा सा प्लेटफॉर्म उस बेसिन के साथ मिल जाता है, ताकि आप जो भी आपके शैम्पू वगैरह है वो उसे वहाँ पे रख पाओ। ये आपका कमोड स्पेस एंड ये आपका बेथिंग एरिया कुछ इस तरीके से, आपके डिज़ाइनर वॉशरूम्स भी आपको इन पर्टिकुलर फ्लैट्स में देखने को मिल जाते हैं। आइए अब लिविंग एरिया की तरफ बढ़ते हैं। तो कुछ इस तरीके के आपको स्पेशियस 2 BHK एंड 3 BHK फ्लैट्स यहाँ पे मिल जाते हैं। फिर से एक बार साइजिंग एंड प्राइजिंग बताना चाहूँगा, काफ़ी अट्रैक्टिव साइजिंग एंड प्राइजिंग यहाँ पे रखी गई है। 2 BHK 79 lakhs ऑनवर्ड स्टार्ट होता है एंड 3 BHK स्टार्ट होता है फ्रॉम 1 crore 3 lakhs ऑल इंक्लूसिव ऑनवर्ड्स। 2 BHK के कारपेट एरिया 720 square feet से लेकर 790 square feet के एंड 3 BHK कारपेट एरिया 920 square feet से लेकर 1000 square feet कारपेट वाले हैं। जो हमने सैम्पल फ्लैट अभी देखा ये 1000 square feet कारपेट वाला है। प्रोजेक्ट डिटेल्स क्विकली बता देता हूँ, 2 acres के लैंड पार्सल पे ये प्रोजेक्ट है। 3 high-rise towers यहाँ पे रहने वाले हैं, जिसमें हर एक फ्लोर पे आपको 4 flats ही दिए हुए हैं प्रॉपरली। एंड अगर आपको यहाँ पे विजिट करनी है, अगर मैं बात करूँ पोजीशन की, तो 3 years में आपको इसका पोजीशन डेफिनेटली मिल जाएगा। एंड एमिनिटीज़ की बात करूँ तो फुल्ली सारे जो एमिनिटीज़ आपको एक फुल्ली फ्लेजेड प्रोजेक्ट में मिलते हैं, वही सारे एमिनिटीज़ आपको यहाँ पे भी देखने को मिल जाते हैं। काफ़ी प्राइम लोकेशन है, हार्ट ऑफ द वाकड़ में इसे कह सकता हूँ, उस लोकेशन पे ये प्रोजेक्ट डेवलप किया जा रहा है। फुल्ली डेवलप्ड लोकेशन पे अगर आप प्रॉपर्टी देख रहे हैं वाकड़ में, तो इस प्रोजेक्ट को डेफिनेटली विजिट ज़रूर करें। अगर आपको ये फ्लैट पसंद आया है तो आप हमें स्क्रीन पे दिए हुए नंबर्स पे जल्दी से जल्दी कॉन्टैक्ट करें एंड साइट विजिट के लिए आ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग। फॉर मोर वीडियोज़ फ्रॉम hallroomkitchen.com आप इन बटन्स पे क्लिक ज़रूर करें। अगर आप पुणे वेस्ट में प्रॉपर्टी ढूंढ रहे हैं तो आप हमें कॉन्टैक्ट ज़रूर करें, हम आपको आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बेस्ट से बेस्ट प्रॉपर्टी कम से कम टाइम में एंड बेस्ट से बेस्ट प्राइस पॉइंट पर दिलवाएंगे। ये हमारी कमिटमेंट है।